नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है हर्षण और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और धन लाभ की स्थिति रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कड़ी मेहनत और भागदौड़ अधिक आज आपको करनी पड़ सकती है। शारीरिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आपको सुहाएगा नहीं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कड़े परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च होने से आर्थिक पक्ष थोड़ा आज कमजोर हो सकता है। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई स्फूर्ति के साथ आप काम कर पाएंगे। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए उचित नहीं है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यभार की अधिकता रहेगी, जिसके चलते मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ओम गृहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके साथ में काम करने वाले सहयोगियों के माध्यम से आज आपको बड़ी सफलता मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। साथ ही साथ नौकरी में उन्नति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में कार्यभार की अधिकता रहेगी और सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओम चक्रिणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनती है। कार्य में सफलता मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर आज आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट आप घर से बाहर न निकलें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन दिन भागदौड़ में बीते ऐसी स्थिति भी बनती है। शारीरिक रूप से थकान का अनुभव भी आज आप करेंगे। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति मिल सकती है। कार्यों में सफलता मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों की सहायता से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्य कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके भाग्य को बहुत मजबूत करके आपको बहुत अच्छी उन्नति दे सकता है। और इस उपाय के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप साल में कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुभ तिथि से, किसी भी अच्छे दिन से, मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं। और अगर इन उपायों को आप साल की शुरुआत में अगर अपना लेते हैं, आजमा लेते हैं, नए साल की शुरुआत से ही इसको अगर आप आरंभ कर देते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, तो आने वाला साल आपको ढेरों उन्नति और खूब सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। नए साल में शुभ फल पाने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी चाहिए। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने से आपको स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ मानसिक शांति भी होगी और सामाजिक यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। तो एक साथ कितने सारे लाभ होते हैं सूर्य देवता को उगते हुए सूर्य को जल देने से, ये आप समझ लीजिए।
यदि आप कोई पूजा पाठ न भी कर पाए तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक दीपक जला देने के बाद भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो सूर्य देवता को जल दीजिए और घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु के सामने एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। फिर आप कोई उसके बाद बहुत पूजा पाठ आरती कर पाएँ या ना कर पाएँ उसकी कोई बहुत चिंता नहीं रहती है। सिर्फ इतना छोटा सा दो उपाय कर लेंगे तो आपका पूरा साल जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन इस उपाय को या तो आप अपने जीवन का हिस्सा बना करके रोज़ नियमित इसको रेगुलर करें, नहीं तो कम से कम 90 दिन इस उपाय को आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।